हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये है ई रिक्शा का चार्जर। कुछ लोग इसे टुकटुकी का चार्जर भी बोलते हैं। तो कस्टमर का कहना है कि इसमें जो है पहले रात भर लगा देने से फुल चार्ज हो रहा था, अभी जो है फुल चार्ज नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें फुल चार्ज नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक रहने पर भी इसमें जो है फुल चार्ज नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको इसे रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि इसमें फुल चार्ज क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, सब कुछ लाइट वाइट सब कुछ जल रहा है, सब कुछ पंखा भी चल रहा है, फिर भी फुल चार्ज नहीं हो रहा। तो चलिए हम आज इस वीडियो में आपको इसे रिपेयर करके दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपका ई रिक्शा में बैटरी फुल चार्ज नहीं होते हैं तो सबसे बड़ी कारण जो होते हैं, पहला कारण जो होते हैं, वोल्टेज प्रॉब्लम के होते हैं। अगर वोल्टेज कम हो, आपके घर में कम वोल्टेज हो जाए तो भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने मिलता है। तो आपको वोल्टेज लगभग 220 रखना है फ्रेंड्स। 200 के नीचे अगर वोल्टेज हो जाएगा तो इसमें फुल चार्ज नहीं कर पाएगा जल्दी, मतलब चार्ज तो होगा लेकिन लेट से चार्ज होगा। लेकिन आपको इसको चार्ज करने के लिए 220 रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन कस्टमर भाई का कहना है कि उसके घर में 220 है ऑलरेडी, वो 250 कर देते हैं फिर भी फुल चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं दूसरा कारण आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके जो डायोड होते हैं, यहाँ पर डायोड मैं अभी आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर लगे हुए हैं डायोड। किसी इंडक्शन में 3 या 4 लगे हुए रहते हैं या किसी में 2 रहते हैं डायोड। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर का जो डायोड है वो लीकेज हो जाने के कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम होते हैं। और तीसरा नंबर कारण, ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाने के कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो आज हम चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर डैमेज है या कि डायोड ख़राब है या किस कारण से ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम होते हैं। तो मल्टीमीटर से हम आपको चेक करके दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है फ्रेंड्स, आपको अभी मैं दिखाऊंगा। आप एक मिनट भी नहीं लगेगा, आप 30 सेकंड में आप समझ जाओगे कि ट्रांसफार्मर ख़राब है या डायोड ख़राब है। तो चलिए मैं मल्टीमीटर में आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले जो है इसका आउटपुट जो 2 वायर निकलता है, ये 4 बैटरी को चार्ज करते हैं तो 4 12 48 वोल्ट होते हैं। तो लगभग 48 वोल्ट होना चाहिए यहाँ पर, 48 से कम हो जाएगा तो ये जो है चार्ज जल्दी नहीं होगा फ्रेंड्स, बहुत लेट लगेगा चार्ज होने में। 48 के ऊपर ही होना चाहिए, 50 या 52 वोल्ट होना चाहिए तभी ये फुल चार्ज कर पाएगा टाइम के अनुसार। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसका जो इनपुट है, ये ट्रांसफार्मर के जो इनपुट हो रहे हैं यहाँ पर डायोड में, डायोड को रेक्टिफायर करके ये डीसी वोल्ट होते हैं 48 वोल्ट। ठीक है, तो आपको डीसी वोल्ट भी आपको चेक करना चाहिए और इसका एसी वोल्ट भी चेक करना चाहिए। यहाँ पर 48 वोल्ट एसी वोल्ट जो निकालते हैं उसको चेक करना चाहिए कि यहाँ पर निकल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर निकल रहा है तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आउटपुट में वोल्ट हो रहा है कि नहीं। चलिए मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम डीसी वोल्ट को चेक करेंगे। तो डीसी वोल्ट को चेक करने के लिए मैंने मल्टीमीटर को डीसी 200 की रेंज पर रख दिया, आप देख सकते हो। और चलिए इसमें हम पावर दे देते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने लीड को यहाँ पर बांध दिया, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कैमरा कर रहा हूँ इसलिए मैंने बांध दिया। तो आउटपुट के जो नेगेटिव पॉइंट है मैंने मीटर के नेगेटिव के साथ बांध दिया, काली प्रोब के साथ बांध दिया और यहाँ पर मैंने रेड वाला रेड के साथ बांध दिया। ठीक है, और रेंज मैंने 200 की रेंज पर रखा मैंने। अब देखते हैं कि इसमें डीसी जो आउटपुट वोल्ट हो रहा है वो कितना दे रहा है 220 वोल्ट में। ठीक है, तो चलिए हम पावर देते हैं। आप तो फ्रेंड्स, मैंने पावर दे चुका हूं और आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहां 38 वोल्ट, मतलब 38 वोल्ट मिल रहा है डीसी आउटपुट जो है, 38 वोल्ट मिल रहा है। 220 वोल्ट मैंने दिया हूं इसमें, लेकिन यहां पर 38.8 वोल्ट ही मिल रहा है, जहां पर 4 बैटरी चार्ज करने के लिए 4 12 48 वोल्ट लगता है। लगभग 50 वोल्ट होना चाहिए, 48 से 2 वोल्ट ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग 10 वोल्ट कम हो रहा है। ठीक है, 10 से 12 वोल्ट कम हो रहा है जिसके कारण ये लेट से चार्ज हो रहा है। तो मैंने तो अभी जो है आपका ये आउटपुट वोल्ट मेजर किया, डीसी जो आउटपुट हो रहा है। ठीक है,
रेक्टिफायर होके जो आउटपुट होते हैं, जो बैटरी में जाते हैं, उस वोल्ट को चेक किया, 38 वोल्ट दिख रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि ये ट्रांसफार्मर से जो है इसका जो इनपुट वोल्ट 220 हो रहा है एसी इनपुट वोल्ट, और डीसी जो सॉरी एसी जो आउटपुट होते हैं, अब हम आउटपुट को चेक करके आपको दिखाएंगे कि आउटपुट में कितना वोल्ट मिल रहा है। अगर आउटपुट में कुछ खराबी मिले, कम मिले, तो आपको समझ लेना है कि वोल्ट कम है। तो वोल्ट तो हम 220 दिए हैं, तो अगर वोल्ट 220 250 देने के बाद भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो चलिए हम आउटपुट को चेक करते हैं कि आउटपुट में यहाँ पर देख लीजिए, पहले ये डीसी आउटपुट 38 वोल्ट दे रहा है, और हम अब एसी आउटपुट जो ट्रांसफार्मर आउट करते हैं एसी 48 वोल्ट, वो 48 मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए हम लीड को बाहर निकाल लेते हैं अभी। तो फ्रेंड्स आप मल्टीमीटर को ध्यान से देखो, अब मैं एसी के रेंज में लगा दिया 200 वोल्ट की रेंज में, पहले मैंने डीसी मेजर किया, अब एसी के रेंज में लगा दिया, और लीड को आप देख रहे हो दो आया जो निकालता है एसी, जो एसी आउटपुट हो रहा है 48 वोल्ट का, उसमें मैंने लगा दिया। अब मैं इसमें पावर दे के आपको चेक कराता हूँ, चलिए पावर दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ 50 वोल्ट मिल रहा है, 50 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन आउटपुट में आपने देखा कि 38 वोल्ट मिल रहा था और यहाँ 50 वोल्ट मिल रहा है, तो 12 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है वहाँ पर। तो अब मैं बताऊंगा कि क्या ऐसा कौन सा चीज़ ख़राब है जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ अगर 50 वोल्ट मिल रहा है फ्रेंड तो रेक्टिफायर होके भी 50 वोल्ट ही मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन बीच में वोल्टेज को जो है रोक देता है, किस कारण से रोक रहा है, अब कौन सा पुर्जे ख़राब है आज अभी मैं आपको बताता हूँ, और आपको चेंज करके आपको दिखाऊँगा और वोल्टेज भी मेजर करके दिखाऊँगा आउटपुट में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले मैं पावर को बंद कर देता हूँ। पावर को बंद करने के बाद मैं आपको वो कंपोनेंट दिखाता हूँ कि कौन सी कंपोनेंट ख़राब है जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो चलिए मैं पावर को बंद कर देता हूँ, और मैंने पावर को बंद कर दिया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो रेक्टिफायर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है। ठीक है, अब हम डायोड को ही चेंज करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ 4 डायोड लगा हुआ है, अब देख सकते हो फ्रेंड 3 डायोड लगा हुआ है इसमें, कोई कोई में 4 रहता है, तो ये तीनों डायोड को हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये लीकेज है, ये शॉर्ट नहीं हुआ है। लीकेज डायोड को आप पता लगाना मुश्किल ही है, क्योंकि एक साथ ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है तीनों डायोड, जिसके कारण इसको पता लगाना मुश्किल है कौन सा ख़राब है कौन सा सही है। तो हम तीनों डायोड को चेंज कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम फटाफट चेंज कर लेते हैं, वीडियो को हम बड़ा नहीं करेंगे, वीडियो को स्किप करके हम तीनों डायोड को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हो फ्रेंड मैंने 3 जो है न्यू डायोड ले लिया। ठीक है, तो ये तीनों डायोड को हम लगाएंगे, उसके बाद आपको वोल्टेज मेजर करके दिखाता हूँ कि वो सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए हम। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो मैंने जो पुराना वाला था वो काट के निकाल लिया हूँ, और इसमें आप देख सकते हो मैंने नया वाला इसमें सेट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सोल्डरिंग करके इसका पूरा कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ जो प्रॉब्लम था, जो चार्ज नहीं हो रहा था, वो ठीक हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए मैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने सारे कनेक्शन को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें मैं पावर देके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पहले 38 वोल्ट आ रहा था इसमें। तो चलिए हम मल्टीमीटर को डीसी 200 के रेंज में रख देते हैं, और आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दोनों लीड को लगा दिए हैं। ठीक है, और अब हम चेक करके आपको दिखाते हैं कि इसमें कितना वोल्ट आउटपुट दे रहा है। तो आप मीटर की तरफ ध्यान से देखिए फ्रेंड, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स पहले 38 आ रहा है, लेकिन अभी देख सकते हो आपने 55 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये ठीक हो चुका है फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में अगर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच।